इस पर जुल्म जाती होना बंद हो जाएगी। और ये जो सरकार है मोदी सरकार, आज इसको सहन नहीं हो रहा है कि हमारा जो समाज पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है वो किस तरह के स्वरूप का जाए। पहले तो इन्होंने नो डिटेंशन पॉलिसी ला के हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, फिर हमारे कुछ मेहनती बच्चे जो कुछ निकल के आज PhD स्कॉलर हैं वो कहाँ जाएंगे। अभी पहले से बैकलॉग पूरा नहीं किया, और मैं समझता हूँ कि जब जो इन्होंने ये मनमानी जो इन्होंने ये जो तुगलकी फरमान जारी किया है, और ये कोर्ट नहीं, कोर्ट का कोई बहाना है, कोर्ट एक आड़ है। कोर्ट में भी इन्होंने अपनी मनमर्जी से सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में इन्होंने अपने जो है भर रखे हैं, अपने जजों को मनमाने तरीके से नियुक्ति कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उनसे जजों के फैसले नहीं है, ये तो नागपुर से चला हुआ शाही फरमान है जो फैसले तो उन्होंने। अब हमारा बहुजन समाज जाग चुका है किसी भी कीमत पर, क्योंकि नोटिस की बात नहीं, नोटिस की जरूरत नहीं। लोग बोला शाही फरमान, तो शाही फरमान कहाँ तक लागू हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, होने नहीं देंगे। अभी बहुजन समाज जाग गया है, और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो कमजोरी थी, सिर्फ इतनी सी कमजोरी, समाज में हमारे संख्या बल की कमी नहीं है, बुद्धि बल की कमी नहीं है, जगह नहीं था। 2 अप्रैल को दिखा दिया, और 2 अप्रैल को हमने बता दिया कि जब भी इस तरीके को जुल्म जाग, 2 अप्रैल भी बहुत नजदीक आने वाला है, अगर लग रहा है अगर ये आंदोलन अपने चरम तक नहीं पहुंचा तो 2 अप्रैल को कुछ बड़ा हो सकता है। 2 अप्रैल का इंतजार क्यों करेंगे, आज ही क्यों नहीं। आज हमारी बहुत सारी संख्या में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के NCR के लोग आए हैं, और ये जो BJP, क्योंकि जो जाते जाते BJP को दिखाई दे रहा है कि अब हमारे चंद दिन रह गए, महीने भी नहीं, चंद दिन रह गए। तो मैं समझता हूँ कि BJP की हताशा का परिणाम है, BJP बौखलाई हुई है, और इस तरीके से ये जो फैसले ले रही है चलने नहीं दे रहे बहुजन समाज की। आपसे बात पूछूंगा कि 2019 का इलेक्शन भी नजदीक है, और कहा तो 5 साल हो गए हैं BJP गवर्नमेंट को, तो अभी विकास कितना हो गया है, विकास वो बताएं। नहीं, विकास तो ऐसा सुरेंद्र जी, ये तो 4 साल में पूरे देश को पता चल गया है। मैं भी हरियाणा में अम्बाला लोकसभा का प्रभारी बनाया मुझे पार्टी, मैं भी वहाँ जाता हूँ तो मैं वहाँ देख रहा हूँ पूरे लोग इतने गुस्से में हैं, इतने खफा हैं कि 15-15 लाख रुपया हमारे खाते में आएंगे और 2 करोड़ नौकरियां लगेंगी। तो ये समझ लो कि जो विकास हुआ है वो तो सबको पता है, विकास कैसे होगा। बस जिस आदमी की पढ़ाई लिखाई का पता नहीं, जिस आदमी को उसने अपनी दादागिरी से वहाँ पर चलाया तो गुजरात में यहाँ नहीं चलेगा, आपके काट की हांडी चढ़ गई दोबारा नहीं चढ़ेगी। बहुजन समाज किसी भी किस्म से संविधान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा।